शिक्षा ही हमें आगे बढ़ने का मौका मुहैया कराती है और वो सब हासिल करने में मददगार होती है जिसका ख्वाब हम देखते हैं। श्रावस्ती के जुमनाहा विकास खंड में उच्च प्राथमिक विद्यालय उड़लाहवा सेहरिया के शिक्षकों का भी यही मानना है। उन्होंने आसपास के क्षेत्र में यही जागरूकता लाने का प्रयास किया कि शिक्षा के जरिए बच्चे न केवल जीवन में उच्च स्थान अर्जित करते हैं बल्कि देश के जिम्मेदार नागरिक भी बनते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए विद्यालय की इमारत की मरम्मत करवाई गई। वर्ष 2013 तक यह स्थिति थी कि इस स्कूल में 26 बच्चे पढ़ने को आते थे और केवल 2 बच्चे ही नियमित थे, लेकिन अब हालात ऐसे बदले हैं कि विद्यालय में 110 बच्चे नामांकित हैं और सभी नियमित भी हैं। यही नहीं, इन विद्यार्थियों में से 56 तो केवल कन्याएं ही हैं। स्कूल में आधारभूत सुविधाओं के होने और अत्याधुनिक तकनीक से पढ़ाई के कारण ही बच्चे नियमित तौर पर स्कूल आ रहे हैं। इन बच्चों को स्कूल बैग, 2 यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, पेन पेंसिल आदि निःशुल्क मिलते हैं। मेरा नाम अनवर मिर्जा, मैं प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय उड़ावा सेहरिया विकास खंड जमुना जनपद श्रावस्ती में कार्यरत हूँ। मेरी प्रथम नियुक्ति 1995 को इसी विकास खंड में हुई थी और यहाँ आने के बाद हमें यह लगा कि यहाँ पर शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है। बच्चों को हमने वहाँ से, जहाँ बच्चे नहीं जानते थे, जो उनका लर्निंग लेवल था वहाँ से उसको हमने पढ़ाना शुरू किया। यहाँ पर अधिकांश बच्चे या तो खेतों में बकरी चलाने चले जाते थे या नामांकन के बाद भैंस चराने, उनके घरों में जाकर के संपर्क किया, समुदाय का सहयोग लिया, उनको मोटिवेट किया गया कि आप विद्यालय में बच्चों को भेजिए, हमारे विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई होगी। धीरे धीरे यहाँ का वातावरण एकदम बदल गया और यहाँ पर मैं 5 साल का ही बताऊंगा कि 5 वर्षों में जो हमारे यहाँ इनरोलमेंट था वो कितना बढ़ा। वर्ष 2017-18 में 28 बॉयज और 16 गर्ल्स थे, आज 2022-23 में हमारे यहाँ 54 लड़के और 56 लड़कियाँ हैं। जब से हम यहाँ आए हुए हैं तब से लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पर मीना मंच का हमें सहयोग मिल रहा है, बाल संसद का सहयोग प्राप्त हो रहा है, साथ साथ यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ के बच्चे उर्दू के कारण मदरसों में चले जाया करते थे, क्योंकि हमारे में उर्दू भी हमारा एक विषय रहा है, जिसके कारण उन बच्चों को भी मातृभाषा के रूप में यहाँ उर्दू पढ़ाई जाती है, जिससे भी बच्चों का जुड़ाव विद्यालय से हुआ है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि जिस तरह इस तस्वीर बदली है और राज्य सरकार द्वारा 2021 के राज्य पुरस्कार से हमें सम्मानित किया गया है, तो जो भी परिवर्तन संभव हो सकता है हम पूरा परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ खेल की समस्त सुविधाएं हैं, अवस्थापना सुविधाओं से हमारा विद्यालय परिपूर्ण है। जैसा कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कितना परिवर्तन हुआ है पिछले से लेकर और अभी तक के, और निश्चित रूप से क्योंकि यहाँ पर जो मानवीय संसाधन है, शिक्षकों की कमी है, उसके बावजूद हमारा प्रयास रहता है कि यहाँ के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ते हुए यहाँ के जो 15+ हैं निरक्षर या असाक्षर व्यक्ति, उनके अभिभावकों को भी शिक्षाकार कराएं और उनको भी पढ़ने के लिए मोटिवेट करें। उच्च प्राथमिक विद्यालय उड़लाहवा सेहरिया के विद्यार्थी केवल पढ़ाई में ही अव्वल नहीं है बल्कि वे खेलों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और जिला व राज्य स्तर पर इनाम भी हासिल करते हैं। पूरे जिले में ये विद्यालय परिवर्तन के आधार पर एक उदाहरण बन चुका है।